हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। सुबह सुबह एक्चुअली हम लोग काम पे लग पड़े हैं, तो क्या क्या सब सुबह सुबह किए हैं। यहाँ पे जो कारपेट था इसको निकाल के मैंने डाल दिया है डाइनिंग टेबल के पास, क्योंकि डाइनिंग टेबल में बैठ के खाने से ना बहुत ज्यादा पेट ठंडा हो जा रहा है, एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, वहां पे कारपेट चाहिए। और उसी साइज का कुछ मेरे पास नहीं था, तो फिलहाल तो वही था, तो वहां पे डाल रही हूँ। और दीप भी उठ गया है, दीप आज एक गुड हस्बैंड की तरह उठ के चाय बना के और ब्रेड सेक के मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा है। कितने दिन से बोल रहा है मैं डेली ब्लॉग कर रही हूँ, तुम कितने दिन से उस क्या दिन तो ब्रेकफास्ट बना था, कल ब्रेकफास्ट बनाया था, कल ही बनाया था, कल ब्रेड, बादाम वाला ब्रेड मैंने बनाया था। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे लिए डेली ब्रेकफास्ट बना रहे हो। जला दिया है ब्रेड को, ऐसे तो अच्छा लगता है। ना, मुझे जला हुआ ब्रेड एकदम से अच्छा नहीं लगता, जला दिया है दो। और बस वहां पे कारपेट डालना है, अभी तक नहीं डाली हूँ, झाड़ू लगा चुकी हूँ, बस कारपेट डालूंगी। दीप एक बार बना लेगा उसके बाद। हाँ देखते हो कैसे बोल रहा है, बोले झाड़ू मैंने आधा लगाया, मैं सुबह से आज लगी हूँ इसके पीछे, वो आके थोड़ा हेल्प कर दिया। हाँ ठीक है, हेल्प किया, हाँ ठीक है, तुम ही लगाया, खुश हो जाओ। तो बस अभी बस वहां पे कारपेट लगाऊंगी और फिर घर हो गया सेट। ये वाला जो हमारा लाइब्रेरी के पास पड़ा था, मैंने इसको यहाँ पे लेके आई, मुझे लगा कि यहाँ पे हो जाएगा, बट ये बहुत बड़ा हो जा रहा है। दीप बोल रहा है कि यहाँ पे क्या लोग आने से सोएंगे या बैठेंगे, मतलब ये काफी बड़ा है, यहाँ पे तो ये नहीं हो सकता। बहुत भूख लग रही है, पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद जो करना है करूंगी। आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं बाहर लंच करने के लिए, मैं तैयार हो गई हूँ। और ये लड़का का हालत अभी तक लेटा हुआ है, तुम जाओगे या नहीं? जा रहा हूँ। तो ऐसे चले जाते हैं, मुंह पूरा व्हाइट हो गया। मैं कभी थोड़ा सा मेकअप करती हूँ बोलता है मेरा मुंह व्हाइट हो गया। देखो पूरा मुंह व्हाइट हो गया। हाँ ठीक है, भूख लग रही थी तो हमने थोड़ा सा इधर उधर से खा लिया है। और लास्ट में जो चीज़ केक खाई, मुझे चीज़ केक एक्चुअली इतना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी मैंने ट्राई किया, इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए थोड़ा सा भी कुछ नमकीन खाने के लिए मन कर रहा है दीप को भी। और हम लोग अभी ऐसी चीज़ केक नहीं खाता हूं। तुमने उस दिन बोला था कि मुझे कहीं से एक चीज़ केक खा के आए थे, बोले थे बहुत अच्छा है, मेरे माइंड में तब से था कि मैं खाऊंगी, मैं कहीं से देख कहीं पे देखूंगी चाट वगैरह मिलता है क्या नहीं, वहां से थोड़ा सा नमकीन वाला खाऊंगी। और हमने पार्सल करके लिया है ऐसे ही घर पे, यही खाना चाहिए था। तुम ज्यादा स्टाइल, तुम, मैंने बोला कि वो केक खाते हैं, ज्यादा मत बोलो, तुम स्टार्टिंग में जाके बोली कि मुझे चॉकलेट वो खाना है, नहीं खाना, मैंने ट्राई करना है। तो ट्राई मतलब क्या, मैं बोलो उसको बोलता भैया थोड़ा दीजिए ना चाट के, वो खा के पूरा मेरा बॉडी कैसे हो रहा है। अभी हम लोग जाएंगे जू, ये वाला ले लो प्लीज, इसको मैं भी यूज कर सकती हूँ, और मेरे पास ऑलरेडी आइडिया है मैं कैसे यूज करूंगी। हाँ पूरा सेट नहीं है, अलग अलग है, कौन सा साइज है ये, स्मॉल ले लो, कौन सा वाला, ये वाला, ये कलर का है दीप, ये कलर का है तुम्हारे पास ना, ये दीप ले लेगा तो मेरा भी हो जाएगा। इतना खोजने के बाद एक स्वेटर लेके जा रहा है, कुछ भी नहीं मिलता, बहुत सुंदर लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है।
जूडियो में अच्छा नहीं लगा तो पास में एक मेला हो रहा था वहाँ पे हम लोग आ गए। हम लोग इस क्या हमारे चैनल में इसी मेले के इतने वीडियो में अरे हम लोग ये मेला हंटर बन गए। यहाँ पे अच्छे अच्छे कप से बहुत सही सही सर्विंग्स ऑफ प्लेटर है। दीप को ये वाला बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कौन सा वाला तुम कर लो ठीक है पीछे चले जाना। हाँ हाँ पीछे कौन देखता है आगे ही देख। नहीं ये ऐसे में चाहिए। ब्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि हमारे दोनों हाथ में सामान है। मैं घर जाके दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या सब सामान खरीद के लेके आई। हाय गाइस हम लोग घर वापस आ गए हैं। जस्ट अभी बजा है 7:30 तो जल्दी ही आ गए हायरो की वजह से। हाँ ठीक है मैं एक बार दिखा दूँ क्या क्या सब लाई हूँ। हम लोग फर्स्ट गए थे जूडियो। जूडियो से हम लोग लेके आए हैं दीप के लिए ये सॉक्स। ये 3 पेयर्स में है और इसका प्राइस है 149 तो काफ़ी अच्छा है और सस्ता भी है तो ये तो गया। उसके बाद मैं लाई हूँ मेरे लिए ये टॉप। वाइट टॉप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैंने बहुत वहाँ पे देखा कि क्या लूँ। एक ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मैं वीडियो में भी दिखाई थी बट उसका साइज नहीं था और एम साइज में मिल रहा था बट उसका फ्रंट वाला बटन नहीं था तो मैं वो लेके नहीं आई। नहीं तो मुझे वो ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा तो बस मैं ये टॉप लेके आई हूँ। और इसको मैं स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकती हूँ नहीं तो जीन्स के साथ किसी न किसी के साथ इसको जब मैं पहनूंगी आपके साथ ही शेयर करूंगी। और फिर दीप लाया है ये स्वेटर। उसके पास एग्जैक्टली ऐसे ग्रीन कलर में है बट उसको ये बहुत अच्छा लगा तो वो पहले बोल रहा था कि नहीं लेगा फिर घूम फिर के फाइनली इसको ही लेके आया। एक्चुअली मुझे एक जैकेट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मैं उसको कन्विंस करके तुम ये लेके जाओ बट उसको अच्छा नहीं लग रहा था तो वो लेके नहीं आया। और ये जैकेट बहुत ज़्यादा वॉर्म है और सॉफ्ट है क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है और इसका प्राइस है 899 ऑलमोस्ट 900 रुपीज और मेरा टॉप का प्राइस है 499 रुपीज तो ये दो गए। जूडियो में एक्चुअली हम लोग बहुत खोजे फिर हमारे पसंद में वैसा कुछ हमको मिला नहीं। दीप खोज रहा था ट्रैक पैंट्स और मैं खोज रही थी टॉप तो टॉप मुझे वैसा कुछ खास लगा नहीं तो मैं लाई नहीं। उसके बाद हम लोग गए थे एक मेला में और मुझे ऐसे मेला एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे मन करता है मैं वहाँ पे जाऊँ। फर्स्ट तो मैं सिरेमिक के कुछ ऐसे आइटम्स देखूँ और उसके बाद थोड़ा सा एक चक्कर लगा के आऊँ तो फिर हम लोग वो मेला पे गए थे। बहुत सुंदर सुंदर सिरेमिक आइटम्स थे वहाँ पे। मैंने तो लिया है ये वाला बोल और इसका प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी यूनिक लगा मैंने ऐसा प्रिंट कहीं देखा नहीं और ये साइज वाइज भी काफ़ी बड़ा है और ये माइक्रोवेव सेफ है तो इसको हम सर्विंग के लिए कुछ यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये दीप का चॉइस है ये एक सर्विंग ट्रे है। मुझे एक सर्विंग ट्रे चाहिए था बहुत सुंदर सा है और ये भी माइक्रोवेव सेफ है और ये भी काफ़ी बड़ा है तो ये दो हमने लिया वो सेरामिक वाला जो काउंटर था वहाँ से। और ये सेरामिक का दोनों मिला के हमने वहाँ पे किया था 700 रुपीज तो किसके लिए क्या मुझे और इतना याद नहीं। स्टॉल था जहाँ पे रंगोली का बहुत सारा आइटम्स मिल रहा था और वहाँ से मैंने पिक किया ये वाला रंगोली बनाने के लिए जो होता है ये काफ़ी बड़ा है और ये वाला ही वो अंकल वहाँ पे बनाए बहुत सुंदर लगा मतलब इतना प्यारा था। दीप को भी बहुत अच्छा लगा दीप बोले कि ठीक है तुम ये ले जाओ। और मैंने लिया है ऐसे छोटे छोटे कंटेनर रंगोली रख के ऐसे ऐसे करके बनाने के लिए और ये टोटल रंगोली का ये कलर
और ये बॉटल्स और ये फ्रेम सब कुछ मिला के मैंने वहां पे पे किया था 400 रुपीज। तो मेला में मैं जब घूम रही थी, बाल ना मेरे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे मुझे, तो इसलिए मैंने लिया है ये हेयर बैंड। बहुत अच्छा है, इसके लिए मैंने पे किया 100 रुपीज और ये मुझे चाहिए था। और उसके बाद मैंने घर डस्टिंग करने के लिए लिया है ये वाला डस्टर, हमको चाहिए था बहुत दिन से, हमारा वाला खराब हो गया था तो ये हम लेके आए। और इसके लिए हमने पे किया था शायद 100 रुपीज। काफी अच्छा चीज है, ये एक यूजफुल चीज है। तो बस इतना सब कुछ हम लेके आए हैं, बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग का प्लानिंग था कि हम लोग जाएंगे कुछ अच्छे से जगह पे, कहीं इंडियन लंच करेंगे, उसके बाद कहीं जाके शॉपिंग वॉपिंग करके आएंगे, बट वैसे तो हुआ नहीं। हम लोग जब पहुंचे तब रेस्टोरेंट ऑलरेडी क्लोज हो गया था, वो जाके ओपन होने वाला था 6:30, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो आसपास जो सब था हम लोग वही सब थोड़ा बहुत कुछ खा लिए, रोल बर्गर रैप और चीज केक। जो चीज केक बहुत ज्यादा ही खराब था, मतलब मुझे शायद वो टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है इसीलिए, नहीं तो लोग तो सब खा रहे थे, मतलब अच्छा होगा। तो बस वही हम लोग खा लिए। फिर जूडियो गए थे, जूडियो में भी जैसे हम लोग खोज रहे थे वैसे मिला नहीं, जो भी हो। उसके बाद हम लोग गए थे वो मेला में, मेला में मुझे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि वहां पे बहुत सारा ऑप्शन था आपको एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम लोग घूमे और प्लान था कि लास्ट में गुपचुप खा के आएंगे, मतलब पानी पूरी खा के आएंगे। और क्या हुआ, ठंड तो लग रही थी उसके बाद, नहीं ठंड तो मुझे नहीं लग रही थी, बट हमारे हाथ में जगह नहीं थे और कहीं रख के खाना इतना हमको ठीक नहीं लगा, तो घर वापस आ गए। तो यही था बस हमारा आज का दिन, और बस आज का ब्लॉग को फिर यहाँ पे मैं आज एंड करती हूँ। और आप लोग से मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। टिल देन, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।